इन्होंने खाया बहुत मिर्ची वाला बर्गर और अब इनसे बोला तक भी नहीं जा रहा। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मम्मी क्या जरूरत है? सब्जी काटनी। कौन सी वाली? मूंगरे की आलू। डंकी सब्जी बना लो यार। डंकी है ये? मैं नहीं खाता ये वाली। खाता क्यों ना, डंकी है टेस्टी बनती। ये मत बनाना यार, ये अच्छी बनती है। और बना लो। मैं कह रही हूँ ना अच्छी बनती है। आपके कहने से क्या होता है? मैं नहीं खाऊंगा यार। क्या खाने? फिर मैं बाहर से कुछ खा के आऊंगा। नहीं, घर का नहीं खाऊंगा। घर का ही खाना नहीं। ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, सब्जी बिल्कुल बेकार बनती है। खाके तो देखियो। नहीं खाके देखता। पहले मत बोला करो, पहले खाके देखो। नहीं खाके देखता। अच्छी ना बने तो कुछ खा। तो रात को तो मैं एडिट नहीं कर पाया पूरा, तो अब मैं थोड़ी देर एडिट करूंगा। सुबह के 10 तो बज ही चुके हैं और अब मैं एडिट करूंगा, तो पता नहीं व्लॉग मैं कब बनाऊंगा। एडिटिंग कर लेता हूँ पहले। तो देव सर आ चुके हैं। आओ सर। सर क्या हाल है? अच्छा है। देख कल हेयर कट व्लॉग डाले, आज मैं क्या डालूंगा? फेशियल व्लॉग। सिर भी फेस वॉश से धोता है? यस। वाह बेटे, मतलब नाता भी फेस वॉश से ही हो। अच्छा, पर पता नहीं क्यों गोरा नहीं रहा। तेरे को उल्टा असर हो रहा है, मैं बता रहा हूँ तेरे को। एक तो मेरी गाल इतनी बड़ी हो गई। आंटी मेरी गाल देखना। आंटी वो लोशन ढूंढ के ले आओ, मेरी स्किन ड्राई है। हमारी टंकी में इतने पानी ठंडा नहीं होता। हमारी टंकी अलग है थोड़ी। पूरे बुद्धि भी धोनी चाहिए। चले कहीं जाना अभी? घर पे जाओ ना, घर पे जाके पोते और इसलिए तैयार हो रहा हूँ। इससे ना स्किन ड्राई नहीं होती ना, मेरे वाले से धो जाती है। वाह तेरा इंकी ऐसे टांगा हो, कितना मस्त लग रहा है। देव अपने आप ही कर यार। मेरे ना आज मैं शैम्पू कर लेना, बाल सेट नहीं हो रहे। क्यों करा दो? देखो कल उसने कहा था शैम्पू मत करियो। वो तो मेरे को कुछ और कह दिया, रोटी ना खा। रोटी ना खा वो तो बहुत कुछ कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? वो तो मेरे को कह रहा था। वाह बड़े, आज तक मेरी मम्मी ने मेरे ही नहीं करे, तेरे कर रही। देख ये ना वैसे नाइट के लिए होता लाइटिंग, मॉर्निंग के लिए नहीं होता। अगर मेरी तेरे मेरी खुशी 2 मिनट वाली तेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? नहीं नहीं बर्दाश्त हो रही है। अगर मैं इसमें गोरा लग रहा हूँ तो तेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है क्या? यार मैं भी तो देख लू। आये आये देव चमक रहा है तू। चमक नहीं रहा, ज्यादा ड्राई हो गया, ज्यादा फेस वॉश लग गया है। बस कर रही था तू, तेरे ब्याह में भी तैयार नहीं होगा मुझे लगता है। जा रहा है क्या तू? जा रहा है क्या तू? मैं तो ब्लॉग बना रहना, तू दिखा मेरे को। हैं? जा रहा है क्या तू? जिस दिन मैं कार लाऊंगा ना, मारुति सुजुकी मोटी फोर करा के। जा रहा है क्या? नहीं आ रहा। चल ठीक है, बाय। तो अभी मैं नहा के तो रेडी हो चुका हूँ। अभी मुझे फोन आया था साकू का कि वो आ रहा है लवी को लेके, तो वो मैं और देवू हम तीनों जाएंगे डिस्ट्रिक्ट पार्क। दोनों तो आ गए और ये अपनी फोटोज क्लिक करने में बिजी है। हेलो भी बोल रहा था व्लॉग में। हाय, मैं नहीं कर रहा, यही कर रही थी। हाँ तो चलो अब हम चलते हैं पार्क। हम बड़े बड़े से यहाँ पे गोलगप्पे खा के फिर चलते हैं पार्क की तरफ। तो गोलगप्पे तो खा लिए और बर्गर पैक करवा लिए, अब हम जा रहे हैं सीधा पार्क। तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे। अब आप सोच रहे हो घर पे क्यों आ गया, क्योंकि मैं तो पार्क गया था। तो पार्क गया था, मेरे साथ हो गया पोपट वहाँ पे, क्योंकि लवी और साकू कुछ जरूरी काम आ गया तो वो दोनों चले गए टाउन घर पे। तो अभी मैं तो अपने घर आ गया हूँ। बाकी मुझे मैं सोच रहा हूँ टाउन जाने का, देखता हूँ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। इतना मैं इतना तैयार त्यूर होके गया था, इतना गंदा पोपट मेरे साथ जिंदगी में आज तक नहीं है। जिस दिन मैं इतना तैयार हुआ, मैं तो चल मस्त रेडी होकर जाऊंगा पार्क और मस्त मस्त क्लिक्स करके आऊंगा, मस्त पिक्चर्स लेके आऊंगा, पोस्ट करूंगा। सब बर्बाद हो गया। मेरे को टाउन जाने ही पड़े। लवी की वॉच और उसका मोबाइल यहीं रह गया, क्योंकि वो चार्ज लगा के गई थी, मुझे लगता है वो भूल गई ले जाना। तो मैं फटाफट से जाता हूँ टाउन, उसको उसका मोबाइल और उसकी वॉच दे के आता हूँ। लवी से आया हूँ सिर्फ इसकी वॉच और फोन देने। तो फोन और वॉच ला नहीं सकती, भूल कैसे गई? नहीं मैं जाके भूली थी। देखा यार ये पोपट सारे वगैरह ये मेरी जिंदगी में होते रहते हैं, मैंने चीज नोटिस करी है। इतना अच्छा मूड था मेरा पार्क जाने का, सारा स्पॉइल हो गया। वैसे तो यहाँ भी एक पार्क है,
फोटोज तो यहाँ भी क्लिक करवा सकते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट पार्क मतलब ऐसा ना बहुत बड़ा है और वो बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वहाँ पे मस्त शूट हो जाता। चलो कोई नहीं, फोटोज तो यहाँ भी क्लिक करवा लूंगा एक दो। हमने डिस्ट्रिक्ट पार्क जाने के लिए बर्गर पैक करवाए थे, हमको भी याद आया कि ये बर्गर अभी तक पड़े हैं, तो अब हम जा रहे हैं लवी के घर के सामने वाले पार्क में इनको खाने के लिए। वैसे हम घर पे भी खा सकते थे पर हम पार्क में खाएंगे जाके। तो अभी अभी ये छोरा ठंड के हमारे जम रहा है पूरा, जल्दी से बर्गर खाओ कर चलते हैं। आए लवी, नीचे बैठ के खाएंगे घास में, घास गिली तो नहीं है? नहीं। चलो फिर बैठते हैं यहीं, तो आजा ओए आजा है? नीचे बैठ जा, आजा देखना 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 इसको देखना, बैठ बैठ जल्दी। ये इन्होंने बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया। आधा बर्गर खा गया। सो इन्होंने खाया बहुत मीठी वाला बर्गर और अब इनसे बोला तक भी नहीं जा रहा, अब ये खा रहे चॉकलेट उसके ऊपर मीठी। मेरे को तो अब तक जुकाम लग रही है, इतनी मिर्ची थी उसमें। कैसा था इसके इसके वाले में भी मिर्ची थी? आप सोचो इसके वाले में जो मिर्ची थी उससे थोड़ी एक्स्ट्रा मेरे वाले में थी ना, तो मेरे वाले में से ज्यादा थी, और इसका हाल ये तो मेरा क्या है। तो अपन को यहाँ पे मिले लक्षिता बदवानी जी, ये ऐसी लड़की है जो मेरी हाइट से छोटी आती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो सारी मुझसे लंबी लंबी जाती है ऊपर को। एक इसको देख लो, ये हमारा घर का कार्टून, क्या खूबसूरत। इतना टाइम बहुत हो गया, लेट हो रहा हूँ मैं तो लवी घर से, तो हम जा रहे हैं। चलो ए, चलूं मैं बड़े, मैं तो घर जाऊंगा, तू भरवाड़ी रास्ते में पेट्रोल। तो अभी हमारे पेट्रोल पंप साकू की स्कूटी का पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया था, और मेरे को पता हम कैसे लेके आए उसको, ऐसे इसमें चोक लगा लगा के धक्के दे दे के बहुत मुश्किल से आई है। तो अभी बड़े बड़े से पेट्रोल डलवाएगा फिर उसको हम घर जाएंगे। अभी मैं आया साकू घर, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं सिस की जैकेट लेके वो पहन के फिर मैं अपने घर जाऊँगा। बहुत टाइम बाद देवू को नहीं साकू को करते, बाय टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ घर। तो मैं आ गया हूँ घर, बड़े ज़्यादा दूर के। अभी मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा स्मार्ट दिख रहा हूँ, तो अभी मुझे रील्स बना लेनी चाहिए। तो मैं जाऊँगा, पहले तो मैं बनाऊँगा मेरे मेन अकाउंट पल्लव मिड्डा वाले अकाउंट की रील्स, उसके बाद मैं बनाऊँगा हेरो स्टार वाले अकाउंट की रील्स। तो दोनों अकाउंट की रील्स बनाऊँगा आज, मैं थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ तो इसलिए। तो रील्स तो मैंने बना ली है, अब मैं एडिटिंग करूँगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद एडिटिंग करके फिर मैं सोऊंगा, क्योंकि अभी रात के 10 बज चुके हैं। यार एक तो यहाँ एक मच्छर है ना, मेरे को घंटे से तंग करे जा रहा है कमरे में। चल जा, सुन नहीं देगा मुझे। एक तो मैं सुबह से थक कर के घर पे आता हूँ, व्लॉग बना के आता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये मच्छर मुझे सोने नहीं देते, करूँ तो क्या करूँ। तो मुझे आप लोगों से एक सजेशन लेना था कि मतलब मेरा ये हेयर स्टाइल आपको अच्छा लगता है ऐसे, या एक अगर आपने पहले कभी मेरी वीडियोज़ में देखा हो कि मतलब मैं यहाँ से 2 नंबर मशीन लगवा के आता हूँ वो अच्छा लगता है, या फिर ये वाला, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा, छोटे करवा लूँ या फिर बड़े अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा बहुत बता देना, फिर उस टाइप से मैं हेयर स्टाइल व्लॉग बनाऊंगा अपना। बाकी मेरा तो मन नहीं हो रहा अभी कटवाने का, क्योंकि मेरे को थोड़े अच्छे लग रहे हैं ऐसे बड़े बड़े, इससे मेरा थोड़ा फेस हैवी लगता है, नहीं तो मेरा फेस ज़्यादा पिचकू सा होने लग जाता है, मतलब ऐसा छोटा सा। मुझे बता देना थोड़ा कि कैसे हेयर स्टाइल करूँ कैसा नहीं, तो फिर मैं उसी टाइप से हेयर स्टाइल करूँगा। तो ये है मेरा पुच्चू, इसके बिना मेरे को नींद नहीं आती, जब तक ये है ना मेरे को नींद नहीं आती। तो गाइज आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।